थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच चाचा। गाइस ये है यहाँ की वाइन शॉप। पीटना होता है ना, पीटना होता है, प्रॉपर पीटना होता है भाई, सारे पीट दो इसको। तो गाइस अभी फाइनली हम स्क्वेयर के लिए निकल चुके हैं। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और ये यहाँ की भाई ये बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन ही है ना। ओके ये यहाँ की ट्रेन है, ये हमारी टिकट्स हैं। थोड़ा सा लेट हो गए हैं और सीधा लंच करके निकल गए। अब देखते हैं भाई कहाँ जाना है, हमें तो ये पता भी नहीं है कि एग्जैक्ट कौन सा नंबर होगा, क्योंकि इंडिया में तो भाई नंबर बाहर लिखे होते हैं सारे। तो कृष्णा भाई वैसे तो हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, राइट है ना, हालत ख़राब हो गई। जैसे ही ट्रेन चलेगी फिर से हम अपने स्लीपर पे जाके सो जाएंगे। हाँ तो कुछ ऐसे होते हैं यार यहाँ पे ना लगेज रखने के बक्से, देखो यहाँ पे ये बड़ा सिस्टमेटिक सिस्टम है यहाँ की ट्रेन का। और यहाँ पे ये दिखाई दिया, बट ये बक्सा बहुत बड़ी चीज़ है बाबू, ये बहुत अच्छी है। और नितिन भाई की चढ़ाई कर रहे हैं भाई, कहाँ चढ़ाई कर रहे हो, कैसे ये रहा ना पैर यहाँ पे, पैर तो है लेकिन सोने की तैयारी। हाँ बड़ी जल्दी यार, यार पानी कहाँ मिलेगा। सो गाइस हमारी जर्नी हो चुकी स्टार्ट और हमारी ट्रेन चल चुकी है। ये बड़ा सही है यार यहाँ का ना, बहुत सही मैनेजमेंट कह लो या यहाँ की चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज्ड कह लो, बहुत ही सही कर रखा है। हमारे TTY आए हैं और TTY पासपोर्ट चेक कर रहे हैं और उसमें टिकट की इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। ये यहाँ का TTY। सो के उठा यार, मैं काफ़ी देर से सो रहा था, जैसे ये बताया था सोए नहीं है, पूरे टायर्ड थे। और एक घंटा बचा हुआ है पहुँचने में, तो एयर एंड कृष्णा भाई कुछ खोल रहा है, कुछ बंद कर रहा है, पता नहीं क्या खोल रहे हैं क्या बंद कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा अभी तक। बड़े खोलू किस्म के बंदे हैं हमारे कृष्णा भाई, चुपचाप खोल रहे हैं कृष्णा भाई, देख रहे हो। मैं कह रहा मेरे भाई बड़े खोलू किस्म के बंदे हैं, कभी खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, क्या 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 चल रहा है, हैं खांसी आ रही है। अच्छा गलत मत सोचो यार, खांसी आ रही है इसलिए वो टैबलेट ले रहा है। सो भाई फाइनली ये हमारी मैगी यहाँ पे आ गई है और इनको हमने साइड कर दिया, इन्होंने बोला कि साइड हो जाओ। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा बहुत ही सुहाना और शाम के 6:30 बजे हैं, बट नितिन भाई आ गए हैं फाइनली नींद पूरी करके। तो सीट किस में गई, ये अपने खास लोग हैं, ये हमें सीट दे रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि तुम मस्त रहो। सही है, इतना सुंदर रास्ता जाना आपका। पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, अभी इन बिडू लोग से पूछा कि कितनी देर में पहुंचेंगे, तो ये कह रहे हैं कि हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये बहुत ही बढ़िया बंदे हैं, हमें मिले और हमारी हेल्प कर रहे हैं। और वहाँ पे एक भाई है वो वेट कर रहा है, वो पिक करने आएगा हमें स्टेशन से और फिर हम उसके साथ जाएंगे फ्लैट पे या जहाँ पे भी रुकेंगे, भी देखते हैं और क्या करना है अभी कुछ पता नहीं है, बस पहले पहुँचे। और ये सफ़र था हमारा 5:30 घंटे का, कितनी देर का, 5 घंटे का है ना, 5 आवर्स की ये जर्नी थी सेंट पीटर्सबर्ग से त्वेर की। भाई ट्रेन की सफाई देखो, और ये लोग अभी हेल्प करके बता रहे हैं ट्रांसलेट करके क्या है। Yes. क्या है भाई क्या लिखा ना, इट विल टेक 30 मिनट्स टू रीच एंड द ट्रेन विल स्टॉप फॉर 1 मिनट एट द स्टेशन। यस अभी वी हैव 30 मिनट्स टू रीच देयर। या ये बता रहे हैं कि द रीजन टू रीजन इज वेरी वाइल्ड एनिमल्स स्पेशली बियर्स वॉल्स, और वहाँ के लोग पूछेंगे आपसे सामान मांगने के लिए लेकिन उनको देना नहीं है। ये हमारी ट्रेन की सबसे
प्यारी बच्ची, थोड़ी सी शैतान है लेकिन बहुत प्यारी है। और जाए नहीं रहा और भाई चढ़ जाओ बेटा चढ़ जाओ। फाइनली पहुंच चुके हैं हम त्वेर, और ये रहा त्वेर का स्टेशन। काफी ज्यादा ठंड हो गया भाई, है ना? बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। हाँ यार, मजा आ रहा है लेकिन। मजा तो आ रहा है, एक तो भालू और ऐसे लग रहा है न्यू ईयर की नाइट हो, मतलब सही है ना वैसी। और यार यहाँ का वेदर देखो यार, इट्स सो अमेजिंग। नाउ वी हैव टू टेक एग्जिट ऑन दिस वे। चलो चले, देख रहा है यहाँ पे आके इंग्लिश बोलने लग रहा मैं, बिल्कुल हिंदी नहीं आ रही मेरे को भी। मजाक कर रहा हूँ यार, थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ेगा ना, आती तो है नहीं भाई, दसवीं पास लड़के हैं और कर लेते हैं थोड़ी बहुत। बाकी ये ट्रेन का सफ़र बहुत बेटर है, कभी भी आपको कहीं भी सिटी में ट्रांसफ़र होना हो एक जगह से दूसरी जगह, तो ट्रेन का आप सफ़र तय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 2-2.5 हज़ार पड़ जाता है। बाकी फील भी नहीं होता कि कब आप पहुंच गए, और बहुत ज़्यादा क्लीन थी, बहुत हेल्पफुल बंदे थे और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, सपोर्ट किया। और अभी हमारा दोस्त का फ्रेंड आने वाला है, दोस्त नहीं आ रहा क्योंकि उसको डॉक्टर से मिलने जाना पड़ गया। तो चलते हैं, पहले देखते हैं कहाँ खड़ा है वो हमारा भाई। फाइनली भाई, खासा नाम भाई? हाँ भाई, खासा है। खासा वाला चार का भाई आ लिया हमारे पास, और भाई लेने आया था यार अभी अपने स्टेशन पे। और ये भाई 1920 का पुल है भाई? हाँ भाई, 1920 वर्ल्ड वॉर टू में तोड़ा था ये। अच्छा, आज तक फिर उसके बाद बनाने के बाद ऐसा ही कुछ भाई। ये वोल्गा नदी है सबसे बड़ी नदी, गंगा, गंगा नदी, यहाँ की गंगा। अच्छा, यहाँ की गंगा है ये तो भाई, यहाँ की। अरे दिख नहीं रहा है ये भाई कहाँ, यहाँ की गंगा नदी है। और ये देखो यार 1920 का पुल, नया ही लग रहा है भाई। अरे बिल्कुल यार, आगे टाइप का ही है। सही है सही है। और भाई अभी कहाँ जा रहे हैं यार हम? भाई फ्लैट पे छोड़ने लेके चल रहे हैं तुम्हें। अच्छा, दिखाएंगे फ्लैट त्वेर का, त्वेर चलेंगे हॉन्टेड जगह। हाँ। जिसके लिए आए हैं, आज जाएंगे वर्ल्ड वॉर टू के मास ग्रेवयार्ड पे। अच्छा, जहाँ पे 1,00,000 लोगों को खड़े करके गोली मारी थी। अच्छा, ऐसा हुआ था। और भाई त्वेर में आ गए हैं फाइनली, और पहले हॉस्टल चलते हैं, हॉस्टल मतलब अपार्टमेंट चलते हैं। सब सेट है भाई? बहुत भाई सेट, अभी माहौल होने वाला है, माहौल गरम करेंगे माहौल अभी। ये हमारा भाई, हमारा खास मित्र हमें मिल चुका है, और भाई आज कहीं लेके जा रहे हैं हमें घुमाने फिराने। और नितिन भाई फुल तैयारी में अभी कहीं की। और यार यहाँ पे बस अभी थोड़ी देर बैठेंगे फिर निकलेंगे, और थोड़ा सा माहौल शुरू किया था और ख़त्म भी हो गया एक, निकलते हैं अभी थोड़ी देर में। और 9:15 बज गए यार, थोड़ा सा रशियन लैंग्वेज में कुछ सो जूस, जूस सो जूस का कोई एप्पलसिनी अरबूस तमातनी याबला का, याबला का एप्पल। ओके, याबला का एप्पल, वोदका ई सोक। लो ये बहुत तगड़ी बात बता रही है, मुझे घंटा समझ नहीं आया लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है सुन के। अच्छा लग रहा है, ये बताओ संतरे वाला पियोगे या संतरे संतरे वाला ले लेते हैं, यही ठीक है भाई। इसे मूंगफली टाइप का कुछ ले लेते हैं, मूंगफली मूंगफली पीनट पूनट ले लो भाई रे। जो बताओ रशियन कल्चर में ना मूंगफली नहीं खाते, फिर क्या खाते? ये खाते हैं बीज, क्या होता है ये खरबूजे के बीज, पेठे के बीज है, पेठे के बीज। अच्छा, पंपकिन के, पंपकिन के। और ना यहाँ खा लेंगे, कोई चक्कर नहीं है भाई। ये सनफ्लावर के सीड है जो अच्छा होता है, और अराकीज बोलते हैं। हाँ तो ले लेते हैं अराकीज, ये तो ले लेते हैं, ये ले, और वो भी ले लेते हैं, टेस्ट तो कर ही लेंगे। एक ही ले लो, वो खत्म नहीं होगा, वो टाइम पास के लिए। ये वाले कौन सही हो? ठीक है भाई, अब अपनी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी कि थोड़ी सी देसी टच आ जाएगा भाई, यू मैडम देगी सारा सिस्टम। और यहाँ से लेना है रस्चे। क्या कह दिया भाई?
पैसे कैश में दोगे? कैश में भाई, कैश में मैडम, कैश में। तो ये अभी हम यहाँ पे शोरमा और फलाफल भाई के लिए वेज लेने आए हुए हैं, मेरे लिए भी वेज, मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ। और क्या भाई, क्या ऑर्डर किया है भाई? क्या ऑर्डर किया? चार शोरमा ऑर्डर किया भाई, दो नॉन वेज, दो वेज। अच्छा, अच्छा भैया, ठीक है। और यार यहाँ पे भाई कौन सी जगह पड़ती है? तुयर में? तुयर में है, ज़ाबुल्स किराएं, ज़ाबुल्स किराएं, फ्रूट सुपरमार्केट के पास। अच्छा, रायन मतलब रीजन, ज़ाबुल्स की रीजन का है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई। वेजिटेरियन भाई के साथ है, सही बोल रहे हैं भाई। जो बोल रहे सही बोल रहे हैं। अभी इसके बाद हम जंगलों में जाएंगे, रात शूट करते हैं। शक्ल देख के लगता है। सही भाई। तो भाई अब शोरमा वोरमा खाते हैं और फलाफल वलाफल खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं और शूट करते हैं। और ब्लॉग में आपको दिखाई दिया, आज हम त्वेर से, मतलब पीटर्सबर्ग से त्वेर आए थे, कैसे हमने एक लोकल जर्नी का सफ़र तय किया। और भाई अपने बिल्कुल कति खास देसी हैं, तो फिर बात ही अलग हो जाती है, फिर अपनी वो वाइब मैच हो जाती है ना। वरना दो तीन दिन से तो सबके साथ वो पाँच शीफ हों, यही सब चल रहा था। और डिनर भाई अपना यहाँ हो जाएगा, फिर निकलते हैं शूट करने और व्लॉग को लास्ट में कर लेंगे। चलो शुरू। तो यहाँ पे चल रही है हमारी पार्टी और अभी हम जंगलों में कर रहे हैं बारबेक्यू। पांच लाख ग्रेवयार्ड हॉन्टेड प्लेस पे जाने वाले हैं और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये सारी ग्रेवयार्ड है। और अभिमन्यू मेरे भाई साथ में, बाकी सारे लोग चले गए क्योंकि हर किसी को यहाँ पे डर लग रहा था आने से। और भाई ये त्वेर में काफी ज्यादा फेमस है भाई, बहुत फेमस है ब्लैक मैजिक रिचुअल्स की वजह से। चर्च भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, चर्च है ये भी, ऑर्थोडॉक्स चर्च है। अच्छा ये चर्च है सामने, राइट? अच्छा ये चर्च है, हाँ। ओके, तो भाई यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है बिल्कुल? आप देखो, कोई कोई नहीं, कभी नहीं आएगा यहाँ पे रात में, तो बिल्कुल नहीं आएगा, अपने सेंसेस में कोई नहीं आता जाता है। अच्छा, तो हम कोशिश करते हैं, चलते हैं इस तरफ। और ये देखिए, भाई कोई भी नहीं है इस रास्ते में, कोई भी यहाँ से आता जाता नहीं है, कोई भी यहाँ से गुजरता नहीं है। देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, कुछ दिखता है कि नहीं, कुछ साइन मिलते हैं कि नहीं। और भाई ये राइट में भी हमारे, अच्छा हाँ ये ग्रेवयार्ड है भाई, थोड़ा स्लो करना। अच्छा ये ग्रेवयार्ड है ना सारी? हाँ भाई पूरा ग्रेवयार्ड है, यहाँ से एंड तक पूरा। हाँ 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 हाँ, दिख रहा है भाई यहाँ पे ना। एक बार मैं लाइट मार के देखता हूँ भाई, थोड़ा सा गाड़ी को स्टॉप करना। ये देखिए, ये सारी ग्रेवयार्ड है, मतलब 5 लाख ग्रेवयार्ड है यहाँ पे। हाँ भाई 5 लाख पूरी सोल्जर्स की, सिविलियंस की अब हो गई है। पहले सोल्जर्स मारे थे यहाँ पे, 1 लाख तो सीधा शूट किया था, 1 लाख लोगों को शूट किया था यहाँ पे, नाजी आर्मी ने। बहुत ही बुरा हाल था यहाँ पे, मैसेकर हुआ था बहुत बड़ा। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं उस डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमें निकलना है, और सीधा मिलते हैं उस ग्रेवयार्ड पे और शूट करने की कोशिश करेंगे कि क्या है क्या नहीं है यहाँ पे। और मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि एक अनजान देश में, एक अनजान ऐसे शहर में, एक अनजान ऐसे ग्रेवयार्ड में जहाँ पे मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। चलते हैं यार, फाइनली अंदर वापस जा रहे हैं। ओए होए होए, ये सब गिरता जा रहा है, लाइफ में सब गिर रहा है। दूस के खड़े हो जाओ, आ जाएंगे इसमें, आ जाएंगे दूस के खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं सोऊंगा, ये बेड को ना लेटाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये बीच में कैसे सो पाएंगे अभी हम। गंदी बातें कर रहे हैं कृष्णा जी, गंदी बातें कर रहे हैं। डबल बेड का क्या सिस्टम है भाई, एक उसमें होगा कुछ, एक मिनट देखना पड़ेगा। हाँ हो रहा है, हो तो रहा है, नहीं हो रहा, हो गया, ये सेक्सी बस भाई। थैंक यू सो मच अरे भाई, लव यू यार, लव यू, लव यू, अरे यार लव यू यार। ठीक है अभिमन्यु भाई, थैंक यू यार, लव यू यार, खास रिस्पेक्ट भाइयों की। बाकी कोशिश करते हैं 29 को, मतलब आ ही जाएंगे, पार्टी है ना उस दिन, बिल्कुल पार्टी है, कति धुआं क्या डाएंगे, आओ दो डाना है, 2 घंटे की ट्रैवलिंग है, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, करते हैं प्लान, आते हैं।
ठीक है भाई, चलो रेस्ट करो यार, हम चलते हैं। हाँ भाई, बाकी आपका सुबह में देख लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। सो गाइस, फाइनली वी आर एंडिंग अ व्लॉग हियर, और यहाँ पे भाइयों को बाय बाय करते हैं। ये हम यहाँ पे स्टे कर रहे थे और हॉन्टेड वीडियोस बन चुके हैं। नितिन भाई बहुत टायर्ड है भाई, बहुत ज्यादा, और ठंड भी लग रही है। नहीं अब तो लग रही है, अंदर आ गई लग रही तो चलो यार इस व्लॉग को एंड करते हैं, और थैंक्स टू कैप्चर ट्रिप वालों को भी क्या और भाई कैप्चर ट्रिप पे जाओ, घूमो फिरो, पूरा देश घूमो, और भाई को कॉन्टेक्ट कर लेना। भाई का भी लिंक, इंस्टाग्राम नंबर सब मैं डाल दूंगा इस व्लॉग में, सो डेट आप पूरा इंडिया कवर कर सको। भाई मतलब थोड़ी सी खासियत बता दो अपने व्लॉग को, थोड़ा सा ना स्ट्रेच करना चाहता हूँ मैं। हाँ तो इसमें यार ये खासियत है हमारी, अगर पेज फॉलो करोगे तो सोलो ट्रैवलर हो, अगर आपके दोस्त वोस्त नहीं है या फिर बिजी है कहीं पर भी और आपको ट्रैवलिंग करनी है तो हमारे पेज पे जाओ और फॉलो करो उसको। और काफ़ी ट्रिप जाते हैं हमारे हर हफ्ते, 15-20 ट्रिप जाते हैं हर हफ्ते, तो कोई भी ट्रिप आप जा सकते हो। 6500 से ट्रिप शुरू है और एंड होता है 80,000 तक, तो कोई भी ट्रिप ले सकते हैं। बहुत सही, बहुत बजटी ट्रिप होते हैं और सोलो ट्रैवलर के लिए स्पेशली बने गए हैं। लाइक माइंडेड पीपल होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, तो काफ़ी फन आने वाला है। अगर ये जवानी दीवानी मूवी देखी तो सेम कॉन्सेप्ट है कि लोग डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री इंडिया से आते हैं और वी क्लब देम ऑल एंड गो टू, इस तरह से कुछ रहता है। और इनकी ट्रिप पे ना काफी लोगों की शादियां भी हो चुकी हैं, मतलब रिलेशनशिप में भी लोग आए हैं और काफी लोग मतलब शादी मैट्रिमोनियल वाला कंसेप्ट भी है। सोलो ट्रैवलर्स मिलते हैं और यू नो लेटर ऑन उनकी शादी हो ही जाती है। ठीक है, अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं और ट्रैवलिंग भी दोनों को पसंद ही होती है तो वो तो, अगर आप सिंगल हो जरूर आओ मैं आने वाला हूँ और वापिस इनके पास भी आने वाला हूँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मोस्ट वेलकम भैया। ओके भाई।